हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अर्चना पंत फ्रॉम यूपीएस सभावाला। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास दो तरह के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं बिकॉज इनमें दोनों टाइप के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर, देन इट इज अ बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर। जब किसी फूल में सिर्फ एक पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि या तो उसमें फीमेल पार्ट होगा या मेल पार्ट होगा, देन इट इज अ यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं, मेल फ्लावर्स अलग होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ये मैक्सिमम क्या होता है कि इनके प्लांट्स भी अलग हो सकते हैं, कि मेल फ्लावर का मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो। लेकिन कभी कभी मैक्सिमम ये होता है कि एक ही प्लांट में दोनों तरह के फूल खिलते हैं, फीमेल फ्लावर भी और मेल फ्लावर भी। जैसे कि कल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे आजकल रेनी सीजन है और मैक्सिमम हमारे घरों में की तुरई की, कद्दू की, करेले की, इन चीज़ों की बेलें बोई भी हैं, तो आप आसानी से उनमें मेल और फीमेल फ्लावर को देख सकते हैं। उसी चीज़ को समझाने के लिए आज मैंने यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है, जिसमें मैंने हर पार्ट को अलग अलग दिखाने की आपको कोशिश की है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये एक हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लावर लिया था, जो मैं आपको कल भी दिखा चुकी हूँ कि ये गुड़हल का फूल है। इसमें से ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये सेपल्स कहलाते हैं, इसको मैंने फ्लावर से अलग करके रखा हुआ है। ये रेड जो पिंक कलर के पार्ट और रेडिश पिंक पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पेटल्स हैं। और कल मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेटल्स का काम होता है पॉलिनेटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। अब आपको ये येलो येलो पोर्शन, जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो फिलामेंट्स से लगे हुए हैं, ये हमारे एंथर्स हैं। इस एंथर के अंदर जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद जो आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा पिस्टिल है। ये वाला जो पोर्शन आपको स्टार्टिंग में ये दिखाई दे रहा है, रेड रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्टिग्मा है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्टाइल है। और इसमें से मैंने ओवरी वाले पार्ट को अलग करा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको ओवरी दिखा देती हूँ। ये है ओवरी। ये देखिए बच्चों, इसमें बहुत ईजीली आप देख सकते हैं कि अंदर कुछ बारीक बारीक दाने से भरे हुए हैं, ये ओव्यूल्स होते हैं। ये देखिए, मैंने ओवरी को बीच से काटा हुआ है, इसको दो पार्ट्स में काट दिया है। ये आपको इसके अंदर ओव्यूल्स भरे हुए हैं। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारा पूरा का पूरा पार्ट, पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का। ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, ये है आपके फिलामेंट्स, ये है आपके एंथर्स, और ये है आपका ओवरी वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पर काट के अलग करा हुआ है। ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हम आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे। हमने एक पंपकिन के फ्लावर्स लिए, जैसे कि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये एक फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में बच्चों, फ्लावर के नीचे एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा ओवरी वाला पोर्शन होता है। अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो कि बाद में सीड्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, जो ओवरी वाला पोर्शन है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। यहाँ पर मैंने इस फ्लावर्स के ये सेपल्स अलग करे हुए हैं, ये पेटल्स हो गए, ये पंपकिन फ्लावर के पेटल हैं, और ये उसका पिस्टिल वाला पूरा एरिया है, पूरा जो है आपका ये पिस्टिल है। इस पिस्टल्स में आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये आपका स्टिग्मा है। इसके बाद यहाँ पर स्टाइल है, एंड देन ये ओवरी है। अब हम इसकी एक डाइसेक्शन मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसके अंदर ओवरी के अंदर कैसे ओव्यूल्स हैं, ये देखिए बहुत क्लियरली देखिए, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ओव्यूल्स हैं। तो ये हमारा ओवरी वाला पार्ट है। ये ओवरी बाद में डेवलप होकर के फ्रूट बन जाती है, और ओव्यूल्स बाद में डेवलप होकर के सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था हमारा मेल फ्लावर। यहाँ पर इसमें ये सेपल्स हैं,
ये मेल फ्लावर के पेटल्स हैं और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्टेमेंस और पिस्टल में कितना डिफरेंस है। ये इसका स्टेमेन वाला पोर्शन है और ये इसका फीमेल फ्लावर का पिस्टल वाला पोर्शन है, जो कि हमको बहुत क्लियरली अलग दिखाई दे रहा है। तो आप इस प्रैक्टिकल से आई थिंक आपको जो है फ्लावर के पार्ट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर में बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस पता चल गया होगा, तो आप इसे अलग से आराम से इजीली पहचान सकते हैं। थैंक यू।